कलकत्ता में वैद्यकीय शिक्षा हासिल कर रही छात्रा के साथ बलात्कार कर हत्या की गई है। इस घटना के लिए जिम्मेदार आरोपियों को तत्काल फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर दिग्गज शहर में शनिवार को विभिन्न संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। पेश है दिग्गज संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। पुरातन काल से लेकर आज के आधुनिक समाज के लिए डॉक्टरों का महत्व अबाधित रहा है। समाज स्वास्थ्य की रक्षा का जिम्मा डॉक्टर उठाते हैं, लेकिन इस दौर में औरों के जीवन की रक्षा करने वाले डॉक्टरों की ही सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। हाल ही में कलकत्ता में वैद्यकीय शिक्षा हासिल कर रही एक छात्रा की बलात्कार कर उसकी बर्बरता से हत्या किए जाने की घटना सामने आई है। इंसानियत को कलंकित करने वाली इस घटना के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी हो चुका है। कलकत्ता में घटित इस घटना के विरोध में दिग्गज शहर में भी शनिवार को मोर्चा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में दिग्गज तालुका डॉक्टर एसोसिएशन, दिग्गज तालुका बार एसोसिएशन, दिग्गज तालुका मेडिकल एसोसिएशन और दिग्गज के विभिन्न स्कूल और कॉलेज के प्राध्यापक और शिक्षकों सहित विद्यार्थी और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हुए अपना रोष व्यक्त किया है। तिला काळीमा फासणारी ही अतिशय निंदनीय घटना आहे। एक स्त्री म्हणून, एक आई म्हणून अतिशय वाईट वाटत आहे। एक शब्दही याबद्दल काय बोलावं असं परिस्थिती निर्माण झाली आहे। आम्ही दिग्रसकर वकील संघ बार असोसिएशनच्या वतीने आणि डॉक्टर असोसिएशन आणि आपण सर्व दिग्रसकरांच्या वतीने या गोष्टीचा मी निषेध करते। मेडिकल कॉलेजमध्ये 21 वर्षाच्या युवतीवर जे घृणास्पद जे हत्या झाली आणि बलात्कार झाला, त्या लोकांना तर शिक्षा व्हायलाच पाहिजे। हे फास्ट ट्रॅक पद्धतीने लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे। ही आमच्या डॉक्टर मेडिकल डॉक्टरांचीच नाही, ह्या समाजातल्या मुलींची, विद्यानिकेतन स्कूलची, भास्करराव स्कूलची, तिथल्या आलेल्या वकिलाच्या असोसिएशनची आणि सगळ्यांची मागणी आहे आणि पूर्ण दिग्रसरांची मागणी आहे। कलकत्ता येथील महिला डॉक्टरवरील अत्याचाराच्या निषेधार्थ आम्ही सर्व दिग्रसकर या घटनेचा जाहीर निषेध करत आहोत। ही घटना म्हणजे फक्त एक हिमनगाचं टोक असून त्याच्या पाठीमागं जे जे काही घडलेलं आहे ते सर्व बाहेर यायला पाहिजे। त्या गोष्टींचा निष्पक्षपणे तपास व्हायला पाहिजे आणि गुन्हेगारांना जास्तीत जास्त कडक कलकत्ता में वैद्यकीय शिक्षा हासिल कर रही छात्रा की बर्बरता से हत्या कर उसके साथ घिनौनी हरकत करने वाले आरोपियों को तत्काल कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग उठ रही है। इस मोर्चे में शामिल नवनिर्वाचित सांसद संजय देशमुख ने भी इस निंदनीय घटना पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए मृतक छात्रा के न्याय की आवाज उठाई है और आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग भी उन्होंने की है। पश्चिम बंगालमध्ये डॉक्टर वर जो अन्याय या ठिकाणी झालेला आहे याच्या निषेधार्थ या ठिकाणी डॉक्टर असोसिएशन आणि दिग्रसमधील सर्व संघटनांनी या ठिकाणी मुखमोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। अतिशय दुर्दैवी घटना या ठिकाणी ही घडलेली आहे। संपूर्ण देशामध्ये तीव्र पडसाद या घटनेच्या निषेधार्थ सर्व सामाजिक संघटना, सर्व डॉक्टर असोसिएशन आणि या संपूर्ण भारतामध्ये या घटनेचा निषेध प्रामुख्याने या ठिकाणी होत आहे। आमच्या दिग्रसकरांनी सुद्धा या जो काही अन्याय झालेला आहे त्याच्यावर वाचा फोडण्यासाठी या मोर्चाचं मुखमोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। वकील संघटना, सर्व सामाजिक संघटना यांनी या गोष्टीला वाचा फोडण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थानं जो काही अत्याचार आमच्या त्या महिला डॉक्टरवर झालेला आहे त्या जो कृत्य करणारा आहे त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे ही मागणीसुद्धा सर्व स्तरातून त्या ठिकाणी होत आहे। माझासुद्धा या ठिकाणी या विभागाचा लोकसभेचा खासदार या नात्यानं या घटनेचा तीव्र निषेध मी या ठिकाणी व्यक्त करतो आणि जो काही दोषी जी काही मंडळी असेल त्याला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे हे सुद्धा मी या ठिकाणी। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाथ मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं श्रीमद् भगवद् गीता हूँ। क्योंकि इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कलयुग हो या सत्युग हो इल्जाम मुझे पर आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। याद रखो आखिरी बार ये गलती आपकी भी हो सकती है, कल सड़क पर बेसुध बहने बेटी आपकी भी हो सकती है, और इस दुख से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता, जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं हो सकता। अंत में मैं इतना ही कह रहा
कहना चाहूंगी कि आओ हम सब मिलकर ये प्रण ले, अपनी मर्यादाओं को समझे, नारी का सम्मान करे, नारी का सम्मान करे। जय हिंद, जय भारत। इस दौरान मोर्चे में शामिल महिलाओं का गुस्सा वर्तमान समाज में महिलाओं की असुरक्षा और महिलाओं को लेकर दकियानुसी मानसिकता की ओर इशारा कर रहा था। इस घटना से एक बार फिर महिलाओं की असुरक्षा का मुद्दा सामने आ गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या सरकार कोई भी हो, सरकार को चाहिए कि वे महिलाओं के खिलाफ बर्बरतापूर्ण व्यवहार करने वाले आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करे, ताकि महिलाओं या छात्राओं पर गलत नियत डालने वाले इंसानी शक्ल में छुपे दरिंदों के शैतानी मंसूबे कामयाब ना हो पाए। NBCN न्यूज़ के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।